तो यहाँ पे एक काम हो रहा है, इस किचन हमारा टूटा हुआ है तो सारे जो जितने फिनिशिंग का काम हो रहा है, ये है जो पेंट होता है उसको हटाने के लिए ये भी मशीन है, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो हम आपको ये भी मशीन दिखा रहे हैं। अभी दिखाएंगे कैसे पेंट हटाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से पेंट हटा रहे हैं, इस तरीके से हटाते हैं। आप सभी अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं टाइम कितने लगे। तो ये हमारे रूम के बाहर का टाइल है, तो ये सारे टाइल लग गए हैं, तो अंदर रूम में दिखाते हैं। अभी तक फिनिशिंग है, मतलब सफाई होना बाकी है, तो अभी लग रहे हैं जो दीवार खोल देता है वो लग रहा है। क्या चलो ठीक होंगे बच्चों, सुबह का काज हो गया है, तो जो है हमने मतलब डस्टिंग तो होनी नहीं है क्योंकि घर बहुत टूटा फूटा पड़ा हुआ है, तो फिर उसका व्यू दिखाएंगे हम, बन रहा है तो उसका व्यू दिखाएंगे। तो मतलब खाना वाना भी बन गया है और हमने शावर भी नहीं लिया क्योंकि हमारे बहुत तेज़ फीवर आ रहा है, तो फिर हम जाएँगे जो है ब्लड जाँच करवाने के लिए, तो देखते हैं क्या निकलता है। बहुत डर लग रहा है क्योंकि आजकल ज़रा सा भी फीवर होता है तो बहुत डरने लगते हैं, तो इसी वजह से वैसे जाएंगे ब्लड जाँच करवाने के लिए। तो हमारे साथ ऐसे बने रहिए, और जो भी रूटीन हो गया उनके साथ शेयर करेंगे, तो हमारे साथ ऐसे बने रहिए। तो हम रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं ब्लड जाँच करवाने के लिए, और जो है कोई नहीं, अपने ससुर के साथ जाएंगे, तो जो है जो भी निकलता है हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखते हैं, बद्दुआ मांगे आप लोग कुछ निकले ना, तो हमारे साथ ऐसे बने रहिए। तो ये देखिए किचन तो आपने देखा ही टूट गया है, तो यहाँ पे रूम में जो है सारा किचन का जो भी सामान था, अगर चूल्हा वगैरह जो भी था, तो यहाँ पे जो है शिफ्ट कर दिया है। तो अब आज हम बना रहे खाने में मटर पुलाव, तो जो है जल्दी से जो चीज़ बनने वाली है वो बना लेंगे क्योंकि वैसे भी थोड़ा सा फीवर है, तो वायरल फीवर था है ही, तो जो है मन कर तो करता नहीं काम करने, इसी वजह से हम मटर पुलाव बना रहे हैं। तो मटर में मसाला बना लिया है सारा, प्याज डाला है उसमें, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, थोड़ा सा गर्म मसाला, उसमें हरी मिर्च डाली है, लाल और हरे मटर डाल के उसको अच्छे से पका लेंगे। फिर उसमें जो है जब ये पक गया तो उसमें पानी हमने ऐड कर दिया है, जितना मतलब चावल हो उसके हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा हम जो है पानी ऐड करना है। ये पानी जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें चावल भी जो है ऐड कर दें, पहले इसको हम बंद कर देते हैं थोड़ा सा बॉयल आ जाए। तो ये हमने बंद कर दिया, देखिए इसमें बॉयल आ गया है पानी में, और एक तरफ हमने जो है चावल को भी धुल के रख लिया है, अच्छे से पक गया है। ये हमने चावल भी अच्छे से धुल के रख लिया है, तो ये घर वाले चावल हैं, तो इसमें हमने सारे चावल ऐड कर दिया है, तो अच्छे से पक जाते हैं। फिर इसको थोड़ा सा इसको चला लेते हैं, नमक भी हमने ऐड कर दिया है चावल के हिसाब से। तो ये मटर पुलाव हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, किसके किसको मटर पुलाव पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने इसको बस ढक्कन लगा के इसको हम बंद कर देंगे पकने के लिए, ये पक जाएगा। एक तरफ यानी कि शीशी बॉयल हो रही है, नाइट का टाइम है तो उसकी शीशी बॉयल हो रही है, तो ये देखिए बस ये पक गए हैं। और इसमें हल्का सा हम 10 मिनट के लिए इसको स्टीम के लिए रखेंगे, चावल जो है सीझ जाएंगे, तो इसको हम बंद कर देते हैं, स्टीम बन जाती है, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो देखने में देखिए कितना अच्छे लग रहे हैं, खिले खिले चावल लग रहे हैं। उसमें हमने टोमेटो भी ऐड किया था, एक टोमेटो ऐड कर लीजिए, और कटा हुआ जो ग्रीन चिली भी हमने ऐड किया था। तो अब हम इसको इसमें ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए वेट करते हैं, जब तक कि हमारे पुलाव बन नहीं जाता, तब तक कि हम ऐसे ही बने रहिए आप लोग हमारे साथ। ये देखिए कितना बढ़िया सा पुलाव बन के रेडी हुआ है, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। ये देखिए हमारा पुलाव बन के रेडी हो गया है।
तो हमने खाना वाना खा लिया है और सबको खाना खिला भी दिया है। और जो ये सुबह की बात हम आप लोगों को बताएंगे तो आप लोग हंसेंगे। तो हम गए थे जो है ब्लड की जांच कराने के लिए, तो हमने कराया, तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसमें कुछ नहीं निकला। और आप लोगों की दुआएं भी हैं जो है, जो कुछ नहीं निकला तो अच्छी बात है। दिल का एक वहम होता है जो निकल जाता है, क्योंकि हमें बहुत डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कुछ अंदर अंदर बन जाए, क्योंकि फीवर बहुत रहता है। तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं, वायरल फीवर है, तो जो है जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, बस थोड़ी सी मेडिसिन लेनी पड़ेगी तो जो है फीवर ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग बताइए हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सपोर्ट करिए, क्योंकि हम जानते हैं आजकल वीडियो हमारा अच्छा बन नहीं पा रहा है, क्योंकि बाहर सारे लेवल में चल रहे हैं तो हम वीडियो नहीं शूट कर पा रहे हैं। तो देखते जब जाते हैं तब शूट करते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को सपोर्ट करिए। कल एक न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।